हमारे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जिनके पास बहुत सारी क्वेरीज होती हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, तो उनको हमारी गाइडलाइंस क्या मिलती है कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनके सारे ही क्वेश्चंस, क्वेरीज जो भी कुछ है वो सारी हम उनकी सॉर्ट आउट करें। जो भी उनको रिलेटेड MBBS से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है, हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि हम उनके सारे ही क्वेरीज को, उनकी जो भी क्वेश्चंस हो वही हम सॉर्ट आउट करें उनके क्वेश्चंस को। ज़्यादातर क्वेरीज़ क्या आती हैं कि किस क्या ईयर है, कितना ईयर का कोर्स है, क्या लैंग्वेज है, मेनली जो क्वेरी आती है वो लैंग्वेज को लेकर के आती है। नहीं, कंपलसरी रशियन लैंग्वेज होनी चाहिए वहाँ पर उनका, क्योंकि वहाँ की है लैंग्वेज, तो वो लैंग्वेज भी आनी चाहिए। बट वो लैंग्वेज ऐसा नहीं है कि उनको यहाँ से ही सीख के जाना है, वहाँ पर वो जा कर के सीख सकते हैं, जो कि हम लोग वहाँ पर 3 मंथ के उनको कोचिंग भी प्रोवाइड कराते हैं रशियन लैंग्वेज के लिए, जो कि वो ईजिली वहाँ पर जा कर के सीख जाते हैं। रशिया में क्या रहता है, फ़ी स्ट्रक्चर जो रहता है वो बहुत लोएस्ट बजट का फ़ी स्ट्रक्चर रहता है। इंडिया में अगर हम कंपेयर करते हैं तो जो चीज़ आपकी इंडिया में 60 से 70 लाख में होती है, वही वहाँ पर वो आपकी 10 से 15 लाख में आपका MBBS कंप्लीट हो जाता है। रशिया में MBBS का ड्यूरेशन रहता है 5.8 ईयर का, जिसमें 3 ईयर थ्योरी रहती है एंड 2.8 ईयर प्रैक्टिकल रहता है। एज अ काउंसलर हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है बच्चे को सारी प्रॉब्लम्स उनकी अगर कोई भी हो वो सॉर्ट आउट करना। इवन उनका पूरा 5.8 ईयर का कोर्स उनका जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है वो हमारे ही फुल सपोर्ट में रहते हैं, हमारे अंडर गाइडेंस में रहते हैं, उनका पूरा सपोर्ट, हमारा फुल सपोर्ट रहता है उनका जब तक MCA नहीं क्लियर हो जाता है। रहने के लिए उनके लिए हॉस्टल्स हैं, इंडियंस के लिए स्पेशली हॉस्टल्स हैं, अच्छे हॉस्टल्स हैं जहाँ पर उनको फुल फैसिलिटीज़ दी जा रही है। सेपरेट अरेंजमेंट हैं आपके, गर्ल्स एंड बॉयज़ के सेपरेट अरेंजमेंट्स हैं, तो जो हॉस्टल्स हैं वो बेस्ट हॉस्टल्स हैं वहाँ पर। वहाँ तक जाने के लिए बच्चा एक तो अकेले नहीं जाते हैं, बच्चे जो जाते हैं वो बैचेस में जाते हैं, हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है बच्चों को वहाँ तक पहुँचाना, वहाँ से हॉस्टल अलॉट कराना, पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहता है बच्चा, हमारे ही अंडर गाइडेंस में रहता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वहाँ के लिए ऐसा रहता है कि वहाँ पर आपका 5.8 ईयर का कोर्स होता है, जिसमें वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उनकी एज जो है वो 17 to 26 के बीच में होनी चाहिए, 17 उनकी कंप्लीट हो जाए 31 दिसंबर तक, परसेंटेज उनके PCB में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में इन 12th में 50 से अबव परसेंटेज होने चाहिए। मेरा मैसेज यही होगा आज की, अगर आप अपना एक ईयर, आप 2 ईयर अपना ना वेस्ट ही कर रहे हैं, इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी ये है कि आप डायरेक्ट रशिया में एडमिशन लीजिए, वहाँ से आप जा कर के अपना MBBS कंप्लीट कीजिए, आफ्टर दैट इंडिया में आकर के आप डायरेक्ट अपना एज अ प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए।